हे गाइस, वेलकम करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स का मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो रिव्यू किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे आज हम 2 वॉचेस को लेने वाले हैं। जैसे कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स वर्सेस टैग की वर्व सेंस, या आप कह सकते हो टैग की वर्व प्लस या टैग की वर्व एक्टिव, इसका मैं कंपैरिजन जरूर लेके आऊंगा। तो आज मेरे पास है दोनों ही वॉचेस, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। टैग की वर्व सेंस भी है मेरे पास, सेंस कह सकते हो, टैग की वर्व एक्टिव भी, मतलब ये एक्टिव है मेरे पास, तो सेंस भी सिमिलर ही मतलब लुक के साथ आती है। बट यहाँ पे एल्युमिनियम की केसिंग यूज करी गई है सेंस में, इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट मिलता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे डिजो की अगर मैं बात करूँ, डिजो में पूरा पॉलीकार्बोनेट मिलता है, बट लुक एंड फील इसका भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको, देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, और इसमें भी आपको ब्राइटनेस लेवल्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, देख सकते हो। और दोनों की लुक एंड फील बेटर है, बट यहाँ पे डिजो की जो वॉच है वो ज़्यादा मेरे को प्रीमियम लगी इन हैंड फील एज कम्पेयर टू यहाँ पे टैग की वर्व एक्टिव। और अगर हम बात करें यहाँ पे मतलब लुक एंड फील के साथ साथ यहाँ पे स्लिमनेस किसकी ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे ये डेफिनेटली टैग की वर्व जो एक्टिव है ये बहुत ज़्यादा स्लिम है, देख सकते हो। ऑन द अदर यहाँ पे डिजो वॉच थोड़ी सी आपको मोटी लग सकती है इस तरीके से, और यहाँ पे सनलाइट विजिबिलिटी भी मैंने मतलब दिखाया तो नहीं, बट आपको जो रिंग लाइट के साथ में मतलब विजिबिलिटी थी वो आपको मैंने बताई दी। बट यहाँ पे अगर मैं फुल ब्राइटनेस करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे हम कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे फुल ब्राइटनेस आई, ऑल मैंने फुल कर रखी है, और यहाँ पे ये देख सकते हो, आई गेस आपको दिख रहा होगा हीरा, और यहाँ पे भी मैं फुल कर लेता हूँ इसको टैप करके ऑन करके। यहाँ पे ये 25% था, इसको फुल मैंने कर दिया है। अब गैस देख सकते हो आप यहाँ पे मतलब विजिबिलिटी किसकी आपको बेटर लग रही है, आप ज़रूर मेरे को बताना। आई गेस यहाँ पे ये देख सकते हो बहुत जल्दी भंग जा रही डिजो वॉच आपकी, देख सकते हो यहाँ पे विजिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो इस तरीके से मिल जाता है। तो करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन और देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है, एंड में मैं अपना कंक्लूजन भी दूंगा, तो कंक्लूजन के लिए रुके रहिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे लुक एंड फील इसका, देख सकते हो जैसे कि इस तरीके से मिलता है आपको। ओवरऑल 2.5D कर्व ग्लास दोनों में ही यूज़ किया गया है, और यहाँ पे प्रीमियम फील दोनों ही आपको इनहैंड देती है, बट ज़्यादा प्रीमियम मैं कहूँगा थोड़ा सा डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स लग रही है। ये थोड़ा सा रगेड बिल्ड लग रही है, ये भी रगेड बिल्ड है, बट ये थोड़ी सी स्लिम टाइप में आती है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्लिमनेस में डेफिनेटली यहाँ पे ये टैग की वर्व एक्टिव ज़्यादा स्लिम है आपकी, और डिजो वॉच 2 एक्टिव डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स है। अगर हम बात करें स्ट्रैप्स की, तो यहाँ पे सिलिकॉन स्ट्रैप मिलता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ड मिलता है, ये आई गेस TPU स्ट्रैप है। और ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी मेरे को डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स की बहुत बहुत ज़्यादा बेटर लगी। और स्ट्रैप साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 22mm इसमें, यस मैंने इसमें ट्राई किया, 20mm का स्ट्रैप नहीं, मतलब 20mm का जो स्ट्रैप्स है मेरे पास बहुत सारे अवेलेबल, वो इसमें नहीं फिट आ रहे हैं। तो डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में 22mm का स्ट्रैप साइज़ है, और यहाँ पे एक सिंगल बटन मिल जाती है देखने के लिए, यहाँ भी आपको सिंगल बटन मिलती है, बट यहाँ पे एक रेड एक्शन का आपको मिल जाता है बटन, और ये आपको फ्लश नहीं है, ये आपको बाहर निकला हुआ है। और पीछे की साइड सेंसर्स की अगर मैं बात करूँ, दोनों में ही आपको डेडिकेटेड सेंसर मिल जाते हैं, SPO2 के लिए, HR के लिए आपको देखने को मिल जाते हैं, और चार्जिंग के लिए मैग्नेटिकली पिंस मिल जाती है चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटर का एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रखा है। और ये देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों आपके ग्रीन एक्शन के सेंसर मिल जाते हैं HR मॉनिटर के लिए, और इस तरीके से मिल जाता है ओवरऑल। और अगर हम बात करें यहाँ पे मेटेलिक जो है, यहाँ पे मेटेलिक कुछ नहीं यूज़ किया गया है, पॉलीकार्बोनेट है पूरा का पूरा, ये डायल और जो बेस है इसका दोनों पॉलीकार्बोनेट है, इसमें भी आपको डायल और बेस दोनों ही पॉलीकार्बोनेट के मिल जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे और चीज़ों को, यहाँ पे फंक्शंस के बारे में एक एक करके सारी की सारी चीज़ें करेंगे। यहाँ पे ऊपर की साइड से स्वाइप करते हो तो आप यहाँ पे टॉगल्स देख सकते हो टैग की वॉच में, और यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया आ जाता है। लेफ्ट साइड में स्वाइप करते हो यहाँ पे टॉगल्स मिल जाते हैं आपको, D&D मोड है, यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल है, स्मार्ट सेवर है, और यहाँ पे ये रेज टू वेक ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, यहाँ पे टॉर्च लाइट मिल जाती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ये मिल जाता है सेटिंग का ऑप्शन। और यहाँ पे ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है आपको जो कि 100% कर रखी है, अभी इसको हम कम करते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स है, और यहाँ पे फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ब्राइटनेस लेवल से अगर मैं फुल करता हूँ तो यहाँ पे अच्छी खासी ब्राइट हो जाती है दोनों ही वॉचेस। सनलाइट विजिबिलिटी टेस्ट में आपको ज़रूर दिखाऊंगा इनका, और वो आगे बात करेंगे हम, इसको हम कम कर देता हूँ ताकि आपको सारा सही से विजिबल रहे। यहाँ पे होम पे जाना है आपको, टैप करना है एक बार, ये भी होम पे चली जाएगी, राइट।
अब गाइज नीचे की साइड से स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे मेन्यू आ जाता है, यहाँ पे आपको जो मैसेज है वो शो करता है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। और राइट साइड में स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे शॉर्टकट्स में जाते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटर और यहाँ पे आपको स्टेप्स काउंटिंग मतलब वो जो डेली एक्टिविटी वो दिखाया जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे स्लीप क्वालिटी यहाँ पे मेजर कर सकते हो। मैंने इसको रात में पहना था फिर मैंने उतार दिया था। एक्चुअली मैं एग्जैक्टली आपको बताऊँगा स्लीप कैसा मॉनिटर करती है, मैं आज इसको यूज़ करूँगा। और आगे बात करें यहाँ पे एचआर मॉनिटर मिल जाता है दोनों में ही आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग का डाटा है एक तरफ, और एक तरफ आपको वेदर नोटिफिकेशन मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे वेदर नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये आपका वेदर नोटिफिकेशन आया था, यहाँ पे होम पे आता है। होम पे आने के लिए यहाँ पे टैग में आपको टैप करना पड़ेगा, एक बार ये होम पे आ जाएगा। वॉच फेस की अगर हम बात करें यहाँ पे टैप करते हो तो टैग में आई गेस चेंज कर सकते हो, यस इसमें मिल जाता है आपको। तो ये भी फीचर इसमें भी दिया गया है इस तरीके से। यहाँ पे वॉच फेस के हिसाब से ब्राइटनेस लेवल्स के हिसाब से दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सनलाइट मतलब सामने से लाइट भी आ रही है और उस हिसाब से दोनों ही बेटर परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम बात करें और फीचर्स की तो यहाँ पे हम मेन्यू पे चलते हैं डायरेक्टली। तो बात करेंगे इस मेन्यू की तो यहाँ पे आपको डेली रिकॉर्ड दिख जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एचआर मॉनिटर का ऑप्शन है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एसपीओ2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे टैग की बात हम करें तो यहाँ पे आपको स्टेटस मिल जाता है डेली, मतलब ट्रेनिंग में यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे। और इसके साथ साथ आगे बढ़े तो यहाँ पे एचआर मॉनिटर का ऑप्शन है, बीपी मॉनिटर का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि डिजो वॉच में अवेलेबल नहीं है। और ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन इसमें मिल जाता है, टेम्परेचर मॉनिटर का ऑप्शन एक्स्ट्रा है, स्लीप ट्रैकिंग मिल जाता है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग है, वेदर नोटिफिकेशन है, म्यूजिक है, नोटिफिकेशन है, स्टॉप वॉच है, मोर फ्लैशलाइट आपको इसमें भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस ये भी अच्छी बात है। और मोर में जाते हो आप यहाँ पे क्यूआर कोड है, टाइमर है, फाइंड मी का ऑप्शन है और दैट्स इट। यहाँ पे होम पे आते हो वापस से दैट्स इट। अगर हम डिजो की बात करें तो यहाँ पे आपको और चीज़ें क्या मिलती हैं, यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग देख सकते हो प्रॉपरली, यहाँ पे जो आपके स्पोर्ट्स मोड है वो दिख जाते हैं। एप्लीकेशन में और भी दिए गए हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे वर्कआउट रिकॉर्ड दिखाया था, यहाँ पे आपको अलार्म लगा सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप अलार्म वॉच में लगा सकते हो, बट आपको ये जो इसमें टैग की वॉच में इसमें आई गेस अलार्म आप वॉच में नहीं लगा सकते। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे अलार्म का ऑप्शन कहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गाइस आपको अलार्म का ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसमें, नहीं है एक्चुअली। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी एप्लीकेशन से ही लगाना पड़ेगा अलार्म। यहाँ पे तो प्रॉपर लगाने का ऑप्शन है, ये मेरे को अच्छा लगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे वेदर नोटिफिकेशन मिल जाता है और यहाँ पे आपको टाइमर मिल जाता है। और नीचे करें यहाँ पे तो आई गेस ये रहा, यहाँ पे आपको ये सेट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन है, साथ में यहाँ पे ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी है और फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन तो मिल ही जाता है। कैमरा शटर भी मिल जाता है, इसमें भी कैमरा शटर मिल जाता है आपको। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ये कनेक्ट नहीं है अभी एप्लीकेशन। और यहाँ पे सेटिंग्स में चलें तो यहाँ पे इसका भी मैं सेटिंग्स दिखाता हूँ टॉगल मेन्यू में जाके। ये रहा, यहाँ पे डायल मिल जाता है, ब्राइटनेस लेवल्स इन्फो है, दैट्स इट, और ऑफ रीसेट है। यहाँ पे वॉच फेस है, स्क्रीन टाइम मिल जाता है, स्क्रीन टाइम आप कितने टाइम तक अवेक रखना चाहते हो, मैंने फुल कर रखा है। मेन्यू स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, 9 ग्रिड है और लिस्ट स्टाइल वाला है। और गाइस यहाँ पे आपको वाइब्रेशन इंटेंसिटी कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है और लैंग्वेज मिल जाता है, फिट नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। और इसी के साथ साथ फिट नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हो। और बैटरी है, QR है, पावर ऑफ है, रीसेट है। और गाइस इसमें आपको ऐसा कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता, तो यहाँ पे जीत जाती है हमारी डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स। अगर मैं फीचर्स एंड फंक्शंस की बात करूँ ओवरऑल, अब गाइस यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स तो देख ही लिए हमने, बट यहाँ पे अब एक्यूरेसी को चेक करते हैं, मतलब सेंसर टेस्ट करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हम हार्ट रेट चेक करेंगे सबसे पहले ऑन द एयर, देख सकते हो आप डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में तो बता ही नहीं रहा है। और यहाँ पे आई गेस तो गाइज इसमें भी नहीं बता रहा है, 84/8 का पड़ा है, मतलब पहले का जो आज हार्ट रेट है वो शो कर रहा है, इधर की साइड नहीं शो कर रहा है आपका। और चलते हैं हम बैक, यहाँ पे SpO2 को चेक करते हैं, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन। वहाँ पे तो नहीं बता रहा है। और क्लिक हियर टू रीसेट, तो गाइस इसमें भी नहीं बता रहा है टैग की वो एक्टिव में भी। तो इस तरीके से दोनों मिल जाता है, ऑन द एयर तो दोनों ने ही अच्छा परफॉर्म किया है। अब ऑन द सरफेस भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे स्कैन हो रहा है, यहाँ पे डिजो नहीं बता रहा है और टैग की वर्व एक्टिव जो है वो सरफेस का आप देख सकते हो हार्ट रेट दिखा रही है। हम गाइस नेक्स्ट करते हैं, SpO2 को चेक करते हैं एक बार।
गाइस टैग की वो एक्टिव आपको देख सकते हो, सरफेस का एसपीटी शो कर रहा है और डिजो में नहीं शो कर रहा है। डेफिनेटली टैग की वो जो एक्टिव है उसमें थोड़ा सा इशू मेरे को लगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डाउन है इसकी टैग की वो एक्टिव की एज़ कम्पेयर टू डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स में इस बार एक्यूरेसी पे थोड़ा सा काम किया गया, बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर रही है ये। और ओवरऑल अब हम गाइज इसको दोनों को ही पहन के देख लेते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो काम करते हैं इसके दोनों ही वॉचेस के। गाइज लुक एंड फील तो दोनों का ही अच्छा है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। इन हैंड फील भी अच्छा है और मीडियम टू लार्ज हैंड्स में डेफिनेटली बेटर लगेगी। थिन हैंड्स के थोड़ा सा ये आपको और लग सकती है वॉच। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और रेस्ट वीक एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे डिजो की वॉच ऑन नहीं हुई है, एक बार करते हैं और ये भी ऑन हो रही है। आई गेस यहाँ पे मैंने ऑफ कर रखा है, वही मतलब मैं देख रहा था ये रहा। अब हम करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे डिजो वॉच जीत चुकी है, एक बार वो करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दोनों मतलब टैग की वॉच जीत गई थी, यहाँ पे टैग की वॉच जीत रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। अब गाइस SPO2 लेवल चेक करते हैं, HR मीटर चेक कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। आई गेस ये टैग की वो एक्टिव लाइव ट्रैकिंग करती है, जैसे कि देख सकते हो। तो डिफरेंस आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाता है, ज़्यादा नहीं है डिफरेंस, थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों ही वॉचेस में। SPO2 को चेक करते हैं, तो गैस यहाँ पे बता भी दिया टैग की वो एक्टिव ने, ऐसा लग रही थी प्री डिफाइंड वैल्यूज उसमें सेट करी गई हैं, तो यहाँ पे डिजो की वॉच ने बता दिया है। तो यहाँ पे डिफरेंस मिल सकता है आपको देखने के लिए, बट मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इन वॉचेस को एज एक्यूरेटली मान के चलो। मेडिकल डिवाइस ही आप यूज़ करो अगर आप एक्यूरेट जानना चाहते हो, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए हो सकती है गाइज। और गाइज यहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटर है तो वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। शो कर रहा है, इस तरीके से मिल जाता है। अब गाइज मैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में डिजो की जो स्पोर्ट्स मोड है वो भी चेक कराया था एक बार। सो गाइज हम आ चुके हैं अपनी एप्लीकेशन पे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे फीचर्स मैंने रिव्यू में ही बता दिए थे, मतलब जो यहाँ पे अवेलेबल थे। बट यहाँ पे जैसे आप ये हिडन मेन्यू आपको मिलता है टाइप का, आप देख सकते हो यहाँ पे टैप करना है वॉच पे तो यहाँ पे और चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाता है आपको, फर्मवेयर हैज़ लेटेस्ट वर्जन, और यूनिट यहाँ पे सेट कर सकते हो इस तरीके से, टाइम फॉर्मेट सेट कर सकते हो यहाँ पे 12 घंटे का 24 घंटे का, और यूज़र गाइड फैक्ट्री सेट, यहाँ पे मोर स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पे टाइप करना है आपको। ये इतने सारे स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं देखने के लिए आपको, और यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर सकते हो जितने चाहो उतने आप यहाँ पे। अगर मैं सिंक्रोनाइज पे करता हूँ, काइंड ऑफ एक्सरसाइज आपको सेलेक्ट करनी है ये, मतलब आप उसमें जो अवेलेबल हैं उसके हिसाब से मतलब और एक ही ऐड कर सकते हो, यहाँ पे और ज़्यादा नहीं है। तो रॉक क्लाइंबिंग का आपके इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो चुका है, पुश हो चुका है राइट। और सिटअप अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज सिटअप वाला भी हो जाएगा, ये हो चुका है सिटअप वाला। और आप यहाँ पे जाके देख सकते हो वर्कआउट मोड्स में सिटअप वाला आ चुका होगा, ये रहा लास्ट में आ चुका है। और गाइस अगर मैं दूसरा करता हूँ ये वाला पाक ओवर, यहाँ पे सिंक्रोनाइज करता हूँ, देखते हैं हम पाक ओवर वाला आता है कि नहीं। यहाँ पे आई गेस आ गया होगा वर्कआउट मोड्स, ये रहा पाक ओवर आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड को और ऐड कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं राइट, और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें शो कर देता है। तो इसी तरीके से मिल जाता है गाइस आपको दोनों ही वॉचेस में। तो गाइज जैसा कि आप सबने देखा यहाँ पे दोनों ही वॉचेस का मैंने कंपैरिजन किया, तो ओवरऑल मेरे को ज़्यादा बेटर लगी डिजो की वॉच फीचर्स के मामले में। इन एप्लीकेशन फीचर्स भी बहुत सारे हैं इसमें, मतलब इसमें जैसे कि आप अपने मतलब
जो डायल वॉच फेस है वो मतलब बहुत जल्दी सिंक हो जाता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे टैग की वर्व एक्टिव में भी सिमिलर ही होता है। बट अगर हम बात करें ओवरऑल यहाँ पे जो मतलब लुक एंड फील प्रीमियमनेस है वो मेरे को डिजो की ज़्यादा बेटर लगी। बट जिसको स्लिम वॉच ही है वो डेफिनेटली टैग की वर्व एक्टिव के लिए जा सकता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे डिजो की वॉच में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को ये लगा कि इसमें आपको जो अलार्म है वो लगाने का ऑप्शन मिल जाता है वॉच में ही, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं है। इसमें आपको एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा देन ओनली अलार्म लग पाएगा, बट इसमें आप अपनी वॉच से ही अलार्म लगा सकते हो। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे में जो प्लस पॉइंट है वो है इसका लुक। यस yes, आपने सही सुना, इसके लुक्स मतलब ज्यादा मेरे को बेटर लगे। आई नो थोड़ी सी मोटी है एज कंपेयर टू टैग की वर्व सेंस भी कह सकते हो इसको, टैग की वर्व सेंस भी मतलब इतनी ही पतली है तो यहां पे टैग की वर्व आगे निकल जाती है इन कंपैरिजन टू थिकनेस। इसकी थिकनेस इसकी बहुत कम है, तो उसी के साथ साथ यहां पे स्लिम भी है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स मतलब एक्यूरेट है। मतलब डिजो वॉच 2 का मैंने अनबॉक्सिंग डाउन रिव्यू किया था उसमें कहीं ना कहीं एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन था, तो यहाँ पे एक्यूरेसी को बेटर किया गया है, मेंटेन किया गया है, तो यहाँ पे डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स उसमें भी आगे निकल जाती है। और आगे अगर बात करें यहाँ पे टैग की वर्व सेंस जो है उसमें टैग की वर्व एक्टिव की बात में करूँ तो टैग की वर्व एक्टिव में जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा डाउन लगी मेरे को। ऑल तो यहाँ पे सेंस प्लस टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है इसमें टैग की वॉच में, बट यहाँ पे उतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लगी मेरे को। सर्फेस टेस्ट को भी कभी कभार फेल कर जा रही थी और एयर टेस्ट को तो पास कर रही थी, कोई इशू नहीं है। और डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स तो हर एक टेस्ट को पास कर जा रही थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और भी है मतलब टैग की वॉच में जो कि है टेम्परेचर मॉनिटर। यस, आप इसमें टेम्परेचर भी मॉनिटर कर सकते हो। कितना एक्यूरेट है वो तो मैं नहीं जानता क्योंकि एक्यूरेसी ऑलरेडी SPU2 और HR की बहुत ज्यादा कम निकली, तो टेम्परेचर मॉनिटर भी मेरे ख्याल से कम ही रहेगा। तो ओवरऑल मेरा वोट जाता है डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स के लिए। और डेफिनेटली यहाँ पे अंडर 1000 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में अगर आपको मिलती है डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स तो आप डेफिनेटली टेक अ लुक कर सकते हो। बट अगर आपको 2200 रुपए तक में भी मिलती है तब भी आप देख सकते हो क्योंकि 2200 रुपए में भी ये वॉच वैल्यू फॉर मनी है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप शॉपसी से बाय करते हो तो आपको अपनी परचेस पे कैशबैक मिलता है। तो आप अगर इसको शॉपसी से बाय करते हो तो आपको करीब करीब 220 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। अभी सेल पे जाएगी ये दोबारा मेरे ख्याल से, अभी जब होली आएगी तो होली में भी इसका जो प्राइस है मेरे ख्याल से 2299 रुपए रह सकता है क्योंकि अभी तो उसका प्राइस बढ़ चुका है, 2499 हो चुका है। बट मैंने इसको 1860 रुपए में बाय किया था। वो कैसे किया था, मतलब शॉपसी एप्लीकेशन के थ्रू मैंने इसको बुक किया और डिजो की मतलब फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन है शॉपसी और उसके थ्रू मेरे को कैशबैक मिला, राइट 179 रुपीज का करीब करीब कैशबैक मिला। तो इसलिए वॉच मेरे को 1860 रुपए तक की पड़ी मेरे को करीब करीब। और मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड बना रखी है उसके ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने भी ग्रैब किया था इस वॉच को, डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स को। तो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है एज ऑफ नाउ क्योंकि यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी मेरे को डेफिनेटली अच्छी लगी, बट डिजो वॉच 2 की बिल्ड क्वालिटी से ज़्यादा बेटर थी 2 स्पोर्ट्स से। बट यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड तो बढ़ाए गए हैं, स्पोर्ट्स मोड इसमें इतने ज़्यादा हैं कि इसमें भी नहीं उतने स्पोर्ट्स मोड, राइट। बट एक खामी लगी मेरे को, स्पोर्ट्स मोड सारे के सारे वॉच में नहीं दे रखे हैं, स्पोर्ट्स मोड आपको ऐड करने पड़ेंगे। मतलब एक ही स्पोर्ट्स मोड एक बार में आप ऐड कर सकते हो, वैसे डिफॉल्ट में 15 मिल जाते हैं, 15 से 16 आपको। और सबसे अच्छी बात यह कि ये 580 वाटर प्रूफ है, ये आपकी 580 वाटर प्रूफ नहीं है, मतलब IP68 की रेटिंग मिलती है इसमें आपको। तो 50 मीटर आपको 30 मिनट तक आप इसको सबमर्ज कर सकते हो प्रॉपर्ली, पानी के अंदर लेके जा सकते हो, तो ये भी मेरे को इसका प्लस पॉइंट लगा। तो यही था मेरा एक डिप डाउन कंपैरिजन डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स वर्सेस यहाँ पे टैग की वर्व एक्टिव के लिए। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, साथ में हमारे टेक्सबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। शॉपसी की मैंने इंस्टॉलेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप उसको भी इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय।